हाय मेरे दोस्त, आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 3 का बी का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ दिया गया है 2x + 3y = 23 एंड 11x - 9y = -52। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो है हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से मान एक से या तो बाई का मान निकाल करके समीकरण सेकेंड में रखेंगे, या समीकरण सेकेंड से मान निकाल कर एक से या तो बाई का मान निकाल करके समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। यहाँ जो दिया गया है समीकरण फर्स्ट को पहले लिख लेंगे 2x + 3y = 23। अब जो है यहाँ से लिखेंगे 2x + = यहाँ से हो जाएगा 23। ये साइड अगर जो प्लस में 3y साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का हमको मान निकाल लेना है, x = तो यहाँ से हो जाएगा 23 - 3y/2, क्योंकि इधर जो है गुणा मगर जो रहता है तो वो साइड जाने पे क्या हो जाता है, भागम हो जाता है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण सेकेंड में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण जो सेकेंड दिया गया है, यहाँ दिया गया है 11x - 9y = -52। यहाँ जो है x का जो मान दिया गया है, यहाँ से यहाँ रख देंगे, ये निकाल करके यहाँ रख देंगे हम। यहाँ से हो जाएगा हमारा 11 × x का मान जो है ये रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 23 - 3y/2। और ये जो है पहले से हमको दिया गया था -9y = -52। अब जो है यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो है इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 23 और 11 को गुना करते हैं तो 3, 2 और 3, 2, 5, ये आ जाएगा 253 - 11 = 33y/2 - 9y = -52। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम लेने पर आ जाएगा हमारा, यहाँ से 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। अब 2 से भाग देंगे 2 में एलसीएम में, तो आ जाएगा हमारा 1। 1 को इससे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा 253 - 33y - अब इससे जो है इससे भाग देंगे 2 में तो 2 आएगा, तो 9 × 2 = 18y हो जाएगा, 18y = -52। अब जो है कुछ नहीं तो यहाँ से एक है, तिरछा तिरछ गुना कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको एक बाई के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 253, ये देखो माइनस माइनस प्लस चिन्ह घटाओ का, तो 8 × 3 = 11, 1 × 3 = 4, 4 हो जाएगा, एक बकिया था 5y = यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस में 52, और यहाँ पर जो था 2 था। यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा तिरछी हम गुना करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इसको इससे करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले 253 - 51y = अब इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 52 - 204 - 104 आ जाएगा हमारा, 104 माइनस में। अब जो है इसको जो है गिनती गिनती को एक तरफ कर सकते हैं, या यहाँ से लिखेंगे -51y = यहाँ से हो जाएगा -104, ये साइड क्या है प्लस में है 253, तो ये साइड हो जाएगा माइनस में 253, या यहाँ से हो जाएगा -51y =
यहाँ जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस चिन्ह घटाव का, जोड़ते हैं 4 3 7, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 1 3, 357। अब देखेंगे कितना मरते में 3 से ये कटेगा, तो यहाँ से भागा दे के देखेंगे कैसे कटने वाला है, 7 5 35, यहाँ से देखते हैं 5 1 7 से गुना करके, 7 1 7 7 5 35, इससे भागा दिए इसमें तो आ गया 7, 7 मरते में कट गया माइनस में, बाई बराबर आ गया हमारा 7। चलिए अब जो है बाई का मान ए 7 आ गया है, तो यहाँ से देखिए हम एक्स का मान निकाल चुके थे, 23 - 3y/2, तो एक्स इजकल टू दिया गया है, चूंकि एक्स इजकल टू 23 - 3y/2, तो यहाँ जो है 23 - 3y, तो 3 × y, y का मान जो है 7 आ गया है बटे 2। यहाँ से चलेंगे एक्स इजकल टू हो जाएगा 23 को 23 रहने देंगे अभी, -7 = 21 / 2, तो यहाँ हमारा आ जाएगा कितना, 23 में से 21 चला जाएगा, तो 2 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो बच गया 1 यहाँ से, इसलिए x इजकल टू आ जाएगा 1 एंड y इजकल टू जो है हमारा आ जाएगा 7। ये हमारा आंसर आ गया, अगर जो पसंद आए तो लाइक और शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।